सभी साथियों का आज के दिन का ये पहला मुकाबला यानी कि दादा कायम खा क्रिकेट प्रतियोगिता दिन ये आठवां और उस आठवें दिन का ये पहला मुकाबला यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। टीम खारिया बनाम झाड़ोद के मध्य में मुकाबला स्टार्ट हुआ और इस मुकाबले का टॉस जीता यहाँ से टीम खारिया ने और पहले किया यहाँ से बल्लेबाजी करने का फैसला। तो एक बार सभी साथियों से गुजारिश है कि जो भी साथी लाइव पे जुड़ रहा है वो मुकाबले को शेयर कर दे ताकि और भी हमारे साथी इस मुकाबले पे जुड़े और इस बड़े बेहतरीन शानदार मुकाबले का लुत्फ वो उठा सके। थोड़ा सा स्कोर कार्ड उसको सेट कर देते हैं यहाँ से। फिर से मिड विकेट की जानिब खेल दिया इस गेंद को। एक मिनट पहले वो आने दो बोल दो इस बार बेहतरीन शॉट है भाई यहाँ से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जा रही है गेंद वन बाउंस टू बाउंस चार रन के लिए। इस ओवर की इस मुकाबले की ये पहली बाउंड्री यहाँ से निकली है बल्लेबाज शाहरुख के बल्ले से। गजब की बल्लेबाजी भाई यहाँ से देखने को मिलती है इस पहले ओवर से। थोड़ा सा सेटअप कर लेते उसके बाद में सभी साथियों का स्वागत किया जाएगा। सभी साथियों को पहले तो हमारा राम राम नमस्कार सलाम अलैकुम। तो कैसे आप सभी भाई, आशा करते हैं आप सभी भाई काफी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए ये दुआ हमारी। तो यहाँ से पहले ओवर की समाप्ति हुई है और पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 8 रन यहाँ से बिना किसी विकेट के नुकसान पे। शाहबाज भाई बेस होगा मैच बता देंगे जब भी होगा तब। मौसम भाई स्वागत है, वालेकुम असलाम जोनी भाई, मुकेश कुमार भाई ब्रह्म सर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी। हाँ भाई गेंदबाजी के लिए पारी का दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेके हैं अब्दुल। अब्दुल की गेंद हवा में गेंद और बाल बाल बचे हैं भाई यहाँ से कैच आउट होने में बिल्कुल शाहरुख के रूप में। यहाँ से पहला विकेट का पतन वो हो सकता था लेकिन थोड़ा सा गेंद आगे गिरी, कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार डेड बॉल का इशारा रहेगा क्योंकि गेंद वो लगी है बिल्कुल जो कुर्सियां पड़ी है स्टैंड के पास है वहां पे और डेड बॉल का इशारा रहेगा। तो इसी के साथ ये गेंद उसको रद्द करार दिया, तो अब फिर से ये गेंद वो नई रूप में डालनी पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन पठान भाई हमारे साथ जुड़े हैं शेरानियाबाद से और ब्रदर्स स्पोर्ट्स से शेरानियाबाद में, बिल्कुल इनकी एक बड़ी शॉप है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आपका मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जाट भाई कैसे हो। रोडू खान भाई वालेकुम अस्सलाम। हाँ मोहसिन भाई थोड़ा सा घर पे निजी काम होने की वजह से 5-6 दिन मौजूद नहीं था लेकिन अब जब तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा तब तक बिल्कुल आपके साथ ही बने रहेंगे। और इसी बीच ये गेंद बनी एक बार फिर से विकेट के लिए और विकेट इस बार बिल्कुल बना है, वही फील्डर वही गेंदबाज और वही बल्लेबाज और बिल्कुल उसी दिशा में ये शॉट खेला और इस बार कोई गलती नहीं की वहां से फील्डर ने और पहले विकेट का पतन हुआ यहां से 8 के स्कोर पे। बेस्टमैन नेम इकबाल खान भाई स्वागत आपका भी। बेस्टमैन नेम रफीक दो है आसिफ अली भाई वालेकुम अस्सलाम। मार साहब है क्या तो बल्लेबाजी के लिए अब रफीक आए हैं रफीक कुमार साहब। स्ट्राइक उन्होंने जाओ भाई करियर इनका बता रहा है कि 3 पारियां 69 रन 44 इनका आईटी स्कोर है और 197 का स्ट्राइक रेट।
बता देंगे भाई सैरानियाबाद का मैच जब भी होगा तब एक दिन पहले बता देंगे। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, शाबिर भाई। हाँ वीरू भाई बढ़िया होना चाहिए, हम भी बिल्कुल सही है, आप सब भाइयों की दुआ है। फिर से बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाया उसे और कोई नुकसान नहीं होगा भाई। ओवर की समाप्ति, तो यहाँ से मेड इन प्लस विकेट या ओवर बनाया गेंदबाज अब्दुल के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी भाई इस ओवर से। जहीर भाई ये क्या लिखा आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीरू भाई मैं ननियाल में था अभी, कल ही सुबह ही आया हूँ वहां से, 10 तारीख से लेके जो 15 तारीख तक ननियाल में था, वहां पे शादी थी भाई की, तो इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल मौका मिलेगा तो आपकी दुकान पे जरूर आऊंगा। बिल्कुल मेरी भी काफी इच्छा थी कि आपके जो नए प्रतिष्ठान है उस पर जाए और हम भी उस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने, लेकिन हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे समय मिलेगा, जैसे ही लक्ष्मणगढ़ की तरफ आना होगा तो आपकी शॉप पे जरूर आएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने अपना जो नया प्रतिष्ठान ओपन किया उसके लिए। गुलपाम कर कमेंट्री बॉक्स में बंद आ रहे भी कार्टून में मिले बठी है कार्टून ना तो नहीं यार घरा के लाजरी बनी अरे ओए खटे घरा आपण है घरा खटे ठीक है हां घरा खटे मैं स्टोर में बन लाजरी हां स्कोर शीट तट ली है इनके दी मोनू ली अच्छी बढ़िया ले 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 आ बड़ी नई चीज है एकदम बट दे विनियल दुकान में असलम भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यू सिकावटी मेडिकल स्टोर सीकर से। स्वागत है असलम भाई साहब आपका भी। एस सी एस का मैच बता देंगे भाई आपको जब भी होगा। बॉलर कौन है भैया? आज के दिन का पहला मुकाबला बजरंग लाला है भाई, उसी बीच है भाई जीतू बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है जीतू भाई आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इसमें खारिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्त होकर 12 रन स्कोर कर दिया है। मकसद गेंदबाजी के लिए भाई बजरंग लाला और सामने बल्लेबाज इनके रफीक माहिल साहब। अब ओवर पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बजरंग विदेशी भाई
जो कि बड़े नाम तो यानी विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। राउंड द विकेट से पहली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा और अच्छी फील्डिंग हुई है भाई स्लिप में खड़े फील्डर के द्वारा। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं यहां से फील्डर ने। इस बीच यूनुस खान फो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है फो साहब आपका। और अगला मैच है वो बिल्कुल है यूनुस खान फो साहब की टीम सुद्रासन का ही है, तो सभी साथी जरूर जुड़े जिसमें आपको जो हमारे फो साहब है वो भी खेलते हुए आज नजर आएंगे। जी हाँ साथियों, पिछले 5-6 साल से क्रिकेट से दूर है लेकिन आज आपको सुद्रासन की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर बजरंग एक बार फिर से तैयार। गुड मॉर्निंग मनवर खान मंजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्णनी से। और हाल में बिल्कुल करंट टाइप है ये अपना जो इनका एक बड़ा स्टूडियो है, इसी बीच ये विकेट बना है यहाँ से बिल्कुल। तो इनका बड़ा स्टूडियो हम बात करें यहाँ से प्रिंस अवल स्टूडियो, मनवर खान मंजी पूर्णनी और इनका स्टूडियो ये है लक्ष्मणगढ़ में। सभी प्रकार की 4K डिजिटल वीडियो एल्बम मिक्सिंग के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह में इनसे संपर्क कर सकते हैं, पार्टी में, फिर कोई भी अन्य फंक्शन है और उसके साथ साथ प्री वेडिंग की सुविधा वो भी इनके पास अवेलेबल रहती है। और DSLR में बिल्कुल फोटो वगैरह तो सभी करते हैं लेकिन ये आपको बिल्कुल वीडियो शूट है वो DSLR में करके देते हैं। तो एक बार आप इनसे जरूर संपर्क करें आपको किसी भी प्रकार का अगर काम करवाना हो कैमरे से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9928494161। यूनुस खान फो साहब बहुत बहुत धन्यवाद फो साहब आपका, आपका ये जो प्यार स्नेह और ये जो दुलार लाड प्यार दुलार है वो हमेशा ऐसा ही बना रहे, उम्मीद करते हैं दुआ करते हैं ऊपर वाले से। गजब की गेंद भाई यहाँ से परफेक्ट यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, ब्लो खोल में गेंद थी और बिल्कुल भाई खोद के निकाला इस विकेट को, बड़ा विकेट यहाँ से एक बार फिर से अस्पाक के रूप में लगता है जिन्होंने अपनी टीम के लिए मात्र 0 रन का योगदान दिया। तो पारी के इस चौथे ओवर में तीसरे विकेट का पतन होता हुआ खरिया के स्कोर पर लगने वाला तीसरा झटका। कोई नहीं है भाई अबरार मोनू भाई, सब देसी है विदेशी कोई नहीं है। नाम का है भाई नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं रफीक खान। बजरंग के ओवर के आखिरी गेंद का सामना करेंगे रफीक खान। बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक खान सामना करेंगे बजरंग की गेंद का। फुल टॉस गेंद थी यहाँ से, फायदा नहीं उठा पाई फुल टॉस गेंद। एक और अच्छी गेंद जिस पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया, इसी एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 15 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। हाँ बिल्कुल इंसा भाई साहब, अगला मैच फो साहब का ही है और फो साहब के मैच से पहले यहाँ से बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है और हो रही है भाई यहाँ से सुजानगढ़ से आ रही है बड़ी घोषणा। एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड है खिची स्पोर्ट्स सुजानगढ़ जिसके ओनर है इंसा भाई खिची, उनकी तरफ से घोषणा आ रही है कि अगर 20 प्लस रन या फिर 20 रन बना देते हैं साहब तो उनके 20 रनों पे बिल्कुल 2100 रुपए की बड़ी राशि है वो बनेगी, जो बनेगी इंसा भाई खिची स्पोर्ट्स की तरफ से।
और वहीं अगर कैच लेते हैं तो प्रत्येक कैच पे 151 रुपए जो साहब के प्रति जो प्यार दुलार और जो मान सम्मान है वो दिखा दो शुक्रिया आपका ऐसा भाई साहब अपने सीनियर प्लेयर्स का आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं उनको जो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी बीच फिर से गेंद पैड पे गेंद थी जिसको बिल्कुल टहला दिया भाई यहाँ से अंदाज में 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन के लिए एक और बेहतरीन शॉट यहाँ से निकलता हुआ बल्लेबाज रफीक मार साहब के बल्ले से। भाई आई को नहीं हर्षवर्धन रुके एक मिनट रुकी हर्षवर्धन नाम तो नहीं मैंने शाहरुख है फारूक है ओ है जावेद इरशाद इरफान है हर्षवर्धन जयवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन जयवर्धन है यार तो पता है चलो कोई ना चार है इसी बीच नैना राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत है नैना राम जी आपका ये गेंद हवा में और फील्डर उसके नीचे पहुंच रहे भाई कैच ड्रॉप यहाँ से आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ फील्डर नाकामयाब है। आज के दिन का पहला मुकाबला खारियावर तो हम बात करें यहाँ से नैना राम जी इनका एक बड़ा संस्थान है साथियों आपको बता दूं माँ अमृता देवी पहले सोच जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इनके जो संस्थान में वहाँ पे आपको लाखों पक्षी ढेर सारे वहाँ पे जीव जंतु और जैसे हिरण मोर वगैरह वो सब रखते हैं और उनकी बिल्कुल सेवा वगैरह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत आपका नैना राम जी और कल हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे आपको दिखा देते हैं कल हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे यहाँ पे आए थे जीतू भाई और नैना राम जी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत था आपका बड़ा मुकाबला होने वाला है शुक्रिया नैना राम जी जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुंचे इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बाकी काफी शानदार शख्सियत है नैना राम जी पहली बार इनसे मिले थे काफी नाम सुना थे इनके बारे में और कल मिले थे तो बहुत अच्छा लगा था लेफ्ट साइड की तरफ केवल एक रन स्कोर बढ़कर हो चुका है 22 इंसान भाई ये तो आपका बड़प्पन है आपका प्यार है बारी का ये 5 ओवर प्रगति पर है बहुत बहुत शुक्रिया और पावर प्ले का है वो खाजे की टीम भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाई और मोहम्मद रजाक की तरफ से भी फौसाब के लिए घोषणा आ रही है अगर ओपनर आते हैं ओपनर आना आपको रन चाहिए आप एक भी ना बनाओ अगर ओपनर आते हैं या फिर पहला ओवर लेके आते हैं तो 1100 रुपए की राशि बनेगी आपके लिए मोहम्मद रजाक भाई की तरफ से। तो यहाँ से 5 ओवर की समाप्ति हुई है स्कोर जा पहुंचा है 23 लॉस ऑफ 3 विकेट्स 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया नैना राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो स्कोर को 60-70 के पार पहुंचाना होगा क्योंकि इस ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत तेज है। हाँ भाई आउटफील्ड के तो कहने क्या भाई इस ग्राउंड की अगर सबसे अच्छी बात हो की जाए जैसे इस ग्राउंड की विशेषता बताई जाए तो बिल्कुल आउटफील्ड सबसे पहले आएगी भाई उसके साथ साथ यहाँ की व्यवस्था यहाँ का मैनेजमेंट यहाँ के ऑफिशियल्स जैसे अंपायर्स कमेंटेटर्स और यहाँ के जो कार्यकर्ता मैनेजमेंट है वो वाकई काबिल तारीफ है भाई एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है भाई टीडोना क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट 1 लाख रुपए का टूर्नामेंट है ये पहली बार होने जा रहा है और एक सफल टूर्नामेंट की ओर अगर सर यहाँ से बिल्कुल पूरा यहाँ से जो बेरी के ग्रामवासी और जो आयोजनकर्ता कार्यकर्ता है उनको बिल्कुल दिल से सलाम दिल से धन्यवाद सल्यूट है इनको जो एक इतना बेहतरीन आप आयोजन करवाने जा रहे हो उसके लिए। गेंद यहाँ से यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिसको खेलना चाहते थे गेंद उनके पैरों से टकराई जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर एक रन पूरा किया स्कोर हो चुका है 28 लॉस ऑफ 3 विकेट पारी का 2 ओवर प्रगति पर है। बजरंग एक बार फिर से गेंद करेंगे रफीक खान को गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज है उठाकर मारना चाहते थे बाएं हाथ के बल्लेबाज है और हवा भी जो है
पुणे की तरफ चल रही है। अगला मैच है भाई सुदर्शन का, लेकिन अभी तक उस हवा का फायदा नहीं उठा पाए हैं रफी। और मोहम्मद रज्जाक भाई की तरफ से अगर फुसाव पहला ओवर लेके आते हैं तो होल्ड कर दिया 500 रुपए की राशि। और इसी बीच विकेट नंबर 4 का यहाँ से पतन होता है, लगने वाला है एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, और यहाँ से एक और विकेट का स्कोर है 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पे संकट की घड़ी आ चुकी है खाजिया के लिए। विकेट उनके जा रहे हैं, पारी का छठों और प्रगति पर है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर है मात्र 28 रन। किंग अब्दुल्ला भाई अखबार हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से, वो खेले थे टीम शायद कोई टीम थी उसमें खेले थे और बाहर हो चुके, वो टीम हार चुकी है, अब वो आपको इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे। नए बल्लेबाज हैं भाई मैक्स खुशी, 5 बालियां 36 रन, 15 IAT स्कोर, 9 कवरेज और 133 का इनका स्ट्राइक रेट। इससे पेड लेंथ पे डालिंग गेंद थी, 1 रन मिल जाएगा, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या था, लेग बाई का रन है या फिर पेड़ से ही रन है। हाँ बिल्कुल भाई, लेग बाई के रूप में ये रन मिला। हाँ वो जिस भी टीम में खेले थे वो टीम बाहर हो चुकी है मोहम्मद रजाक भाई, मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो मुझे बताया गया बोर्ड लगा हुआ है और अगर कोई भी बल्लेबाज छक्का मारता है तो आपको 100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बजरंग चले फिर से उठाकर मारना चाहते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक बात की जाए तो कुछ बड़े चेहरे हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जैसे किंग अब्दुल्ला इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, रफीक मरेलियर है उनकी टीम बाहर हो चुकी है, उनके अतिरिक्त कल रोल्स आफ्टर की टीम है वो भी बाहर हो चुकी है, और उनके साथ साथ जो सुरेंद्र सैनी जैसा एक बड़ा नाम था वो भी अब इस टूर्नामेंट में आपको नहीं देखने मिलेगा, वो भी बाहर हो चुके हैं। बगासरा की टीम बाहर हो चुकी है और उन्होंने बगासरा और रोल्स आफ्टर को बाहर किया था, वो किया था किंग कायमपुरा भाई, अजमेर की एक बेहतरीन टीम, ग्रामीण अंचल की बहुत ही बेहतरीन टीम भाई अजमेर जिले से, कल यहाँ पे पधारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो आप इतनी दूर आए खेलने के लिए, उसके लिए शुक्रिया पूरे वेरियंट्स की तरफ से। क्या शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग उनके द्वारा और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी भी भाई। अनिल मीणा पता नहीं भाई कौन सी टीम में खेलेंगे। साबिर खान भाई स्वागत आपका भी। हाँ आरिफ भाई टाइगर को सलाम बोल देंगे सदाम भाई। स्टेट की तरफ लॉन्गोन की तरफ फील्डर वहाँ पे मौजूद है, जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर 2 रन पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कीपर सदाम भाई सलाम बोल रहे हैं। आसिफ कोटवाल भाई राम सभा की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जयवर्धन 15 रन खर्च कर चुके हैं और एक भी सफलता उनको नहीं मिली है। जयवर्धन एक बार फिर से खुशी के लिए कड़क शॉट यहाँ से, अच्छा कैच और एक तो आसान सा कैच लगता है, विकेट नंबर 5 यहाँ से गिरता हुआ, लेकिन हवाओं के विपरीत था तो कामयाब नहीं हुए। को लगने वाला ये 5वां झटका, अस्पाक अस्पाक नाम ही नहीं आउट हो गया ना अस्पाक, तो नाम पूछो इनसे। स्कोर मात्र 37 रन है और
और 5 विकेट गंवा चुकी है खारिया की टीम। गुरु खारिया ने गुरु आया भाई बल्लेबाजी के लिए, तो अब उनके कप्तान ने इनको कह के भेजा चल गुरु हो जा शुरू, क्योंकि यहाँ पे रन अभी बहुत कम है। 37 रन है और पारी का 7 ओवर चला, इसके बाद 3 ओवर बचे और ये लीजिए भाई गुरु आए हैं और बिल्कुल आते ही शुरू हो गए भाई यहाँ से बड़ा छक्का और छक्के के साथ अपना अकाउंट ओपन किया भाई। एक लंबा छक्का आया जी, वाह बेहतरीन शॉट था साहब की टीम अगर जीतती है तो मोहम्मद रजा भाई की तरफ से दोनों अंपायर कमेंटेटर और मुझे 100 रुपए की राशि है वो बिल्कुल दी जाएगी। शुक्रिया मोहम्मद रजा भाई आपका। के लिए छक्का खाने के बाद अगर सुदर्शन टीम यहाँ से मुकाबला जीती है आपका मुकाबला फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और ये लीजिए भाई एक और बाउंड्री से ग्राउंड की अभी अच्छे बल्लेबाजी भाई गुरु के द्वारा अगर फील्डर के हाथों से गेंद छिटक जाती है तो दोबारा पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 44। हाँ जरूर बोल देंगे आसिफ भाई जैसे हमें मौका मिलेगा। खारिया टीम को सपोर्ट करने के लिए भाई गांव से काफी प्रवासी भी आए हैं। फारूक हेलो, दस रन कट जाएगा अब की बार कुछ कर दिए तो। और कमेंट्री बॉक्स में इरफान खान लॉरेंस से हमारे बीच आ चुके हैं और अब पारी का 8 ओवर डालेंगे। फारूक सामने है रफीक मार साहब, काफी देर से डटे हुए क्रिकेट पर और मार मारा है, गेंद स्टेट की तरफ आई है, फील्डर कैच को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए और नतीजा 1 रन। एक मौका बना था तो फिर से इस ट्रैक पे बल्लेबाज गुरु अब आज के जो कि पिछली 2 गेंदों पे 10 रन और उन 10 में ये छक्के को रेड कर लीजिए भाई। पिछली बार भी छक्का लगा था और इस बार भी कनेक्ट अच्छे से हुआ है, इस बार भी गेंद की बल्लेबाजी भाई गुरु के द्वारा यहाँ से। तो जिस काम के लिए इनको कप्तान ने भेजा उस काम को बखूबी निभा रहे हैं बल्लेबाज गुरु, काफी दूर तक ले जा सकते हैं। 2 मैक्सिमम लगाए हैं उन्होंने फारूक, फिर से गेंद करेंगे गुरु के लिए। लॉक होल में डाली हुई गेंद को धीरे से पुश किया, एक चक्का लगाने के बाद एक सिंगल, अच्छी सोच बल्लेबाज की क्योंकि गुरु अगर पूरे 10 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर को निश्चित ही 70-80 के पार पहुंचा देंगे। और वहीं दूसरी तरफ रफीक मार साहब काफी देर से क्रीज पर डटे हुए हैं, 13 गेंदों का सामना किया है, 14 गेंदों का 12 रन बनाए हैं। फारूक फिर से गेंद करेंगे रफीक के लिए, गेंद और इस बार खेला है एक अच्छा कैच पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा और इसी बीच विकेट नंबर मिला है शाहरुख की टीम को रफीक के रूप में, छठे विकेट का पतन हुआ भाई। और अब जा रहे हैं गोरू, जो पुराने प्लेयर है खारिया की टीम में, लास्ट वन ठंडी हवा रही है। सौर के अंतिम गेंद डालेंगे फारूक गोरू असलम के लिए, फारूक चले असलम के लिए और धीरे से कट किया लेकिन गली में खड़े फील्डर ने फील्ड किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 55 रन 6 विकेट के नुकसान पे
अब इस पारी में मात्र 12 गेंदें बची है। अब्दुल देखते हैं कारिया के तो बल्लेबाज स्कोर को कहां तक पहुंचाते हैं। गुरु ने गुरु खारिया ने एक मोमेंटम दिया है खारिया की टीम को और अब पारी का नवा ओवर डालेंगे। इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी अक्षी और आर्यन खान पुराने प्लेयर है। राइट आर्म राउंड का गेंद करेंगे अक्षी। अक्षी चले गुरु के लिए गेंद और इसको खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है बजरंग। आगे के गुरु के लिए एक बड़ी घोषणा आई है जेड ब्लैक के ओनर रफीक खान के द्वारा। एंट्री है भाई रानियावाद की मैच अभी कंफर्म नहीं कर तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार है उनके लिए। अपसी गेंद करेंगे असलम के लिए। असलम ने कट किया है फील्डर वहां से आ रहे हैं जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर दो रन पूरे किए। जेड ब्लैक है वो एक क्लॉथ स्टोर है जिसके ओनर है रफी खान और हाल ही में जल्द ही एक पेरी मेगा सैलून का उद्घाटन भी होने वाला है उसका नाम भी है जेड ब्लैक। और मिसफील्ड के चलते दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन पूरा भी करेंगे। ओवर थ्रो के चलते एक रन और लिया है। ओवर प्रगति पर है। तीन गेंदें हो चुकी है स्कोर हो चुका है 60 रन। अब से चले इस बार स्टेट ड्राइव किया है फील्डर वहां पे मौजूद है फारूक जो अभी मेडिकल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं शायद नर्सिंग ऑफिसर है। अब से गेंद करेंगे गुरु के लिए और इस बार स्लोर गेंद डाली है कुछ भी नहीं समझ पाए गुरु। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के स्कोर अभी भी 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी का ये 9 ओवर है। अंतिम गेंद गुरु के लिए फिर से स्लोर गेंद से चुके गुरु। अब पारी का अंतिम ओवर है देखते हैं कितने रन बटोर पाती है खारिया की टीम। उसके बाद अगला जो मुकाबला है उत्तराखंड और डेरी बी के मध्य रोमांचित करने वाला मुकाबला। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 61 रन 6 विकेट के नुकसान पे। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं फारूक सामने है असलम और पिछली बार रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। डगआउट में बैठे खारिया के खिलाड़ी चाहते हैं कि गुरु ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रहे तो 2-3 राहत भरे शॉट लगा सकते हैं। रिजवान खान फौजी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। चलिए गुरु के लिए और इस बार क्लीन बॉल किया है मिडिल स्टंप ले उड़ी है गेंद तो एक और विकेट लगने वाला है 7वां झटका कुछ अलग करने का प्रयास। गुरु का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं और पहले बाउंड के बीच मारना चाहते थे लेकिन क्लीन बॉल यहां से पारी की बात करें 4 गेंदें और शेष हैं और गुरु अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है। और हमें सूचना मिली है कि जो परवेज है वो गुरु के छोटे भाई हैं तो दो भाइयों की जोड़ी बीच मैदान में। तो
फारूक मोनू भाई बता रहे कि जो गेंद करेंगे परवेज को वो दिल्ली में शौर्य की दो गेंदें हो चुकी है बिना किसी रन के सफलता भी दिलाई है फारूक ने। फारूक गेंद करेंगे परवेज को पहली बार। जीतू सिंह भाई जय हिंद। फारूक चले परवेज के लिए गेंद और इसको खेला है तब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर एक रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं आर्या के सबसे खतरनाक बल्लेबाज गुरु। अंतिम तीन गेंदे से इस पारी से गुरु दो रन लेना चाहते थे लेकिन परवेज ने मना किया फिर दौड़ते तो हो जाते। अब दो गेंदे और शेष है और शौर की मात्र एक गेंद खेली है गुरु ने। चले और एक लगा थ्रो मारा लेकिन कामयाब नहीं हुए एक विकेट का मौका था लेकिन उसको गवाया। अब पारी की शायद अंतिम गेंद है और सामने है गुरु अंतिम गेंद इस ओवर से और चले गुरु के लिए गेंद और अंतिम गेंद गुरु ने उठा कर मारा फील्डर के हाथ में लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है और दो रन वो पूरे कर लेंगे यहां से। गेंद फील्ड होती दौड़ कर दो रन तो यहां से 66 रन बने और अब जीतने के लिए 67 रनों का टारगेट है वो मिला है। अब हम भी कुछ इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर से बात करते हैं उनके सामने आपको लाते हैं। चाड़ोत को अगर ये मैच जीतना है तो 67 का स्कोर है। गेंदे हैं सबसे पहले हम यहाँ से बात कर रहे हैं लाइगर बुक 100% श्योर सिक्योर सेफ एंड ट्रस्टेड। लाइगर बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों एक ऐसा ऑनलाइन गेमिंग बुक है जिसपे आप 300 प्लस गेम्स है वो खेल सकते जैसे क्रिकेट टेनिस क्रिकेट तीन पत्ती वॉलीबॉल फुटबॉल और उसके साथ साथ जिन भाइयों को आईडी चाहिए वो नई आईडी है वो इन्हें व्हाट्सएप नंबर पे लेके ले सकते हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर है 8696960096। लाइगर बुक एक बड़ा ब्रांड है एक बड़ा बुक है तो जिन भाइयों को इंटरेस्ट रखा है जो भाई पैसे कमाना चाहते हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अब हमारी लाइव स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं ACC सीमेंट जिनके ऑथराइज डीलर है राज कंप्यूटराइज धर्मकांटा जाड़ोद स्वागत है इनका भी। उसके बाद में एक बड़ी होटल है भाई दस्तरखान शाही दस्तरखान डीडवाना में ये होटल स्थित है जहाँ पे आपको बता दूं इस टूर्नामेंट में जो भी टीमें विजेता और उपविजेता रहेंगी उनको उसके साथ साथ पूरा मैनेजमेंट उसके साथ साथ पूरा ऑफिशियल जैसे एम्पायर कमेंटेटर लाइव टेलीकास्ट और जो भी साथी मौजूद है उनके लिए बिल्कुल एक बड़ी पार्टी है वो इनकी तरफ से रहेगी शाही दस्तरखान बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। उसके बाद में दिलावर ATM सर्विस 24 घंटे सेवाएं रहती है और मेन गुआड छोटी बेरी में स्थित है दिलावर ATM सर्विस इनका भी हार्दिक स्वागत है। उसके बाद मिलन वैरायटी स्टोर एंड फर्नीचर हाउस इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। अरे भाई फील्डिंग कर ले यार बॉलिंग का तरती था ना। उसके बाद क्रीमी केक एंड बेकरी छोटी बेरी से हमारे साथ जुड़े हैं जाकिर भाई इनका भी स्वागत है। उसके बाद बिग शॉट जो भी इसे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच की जो टी शर्ट दी जा रही है वो इनकी तरफ से दी जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद इनका। उसके बाद अल्ट्रा टेक सीमेंट जिसके डीलर है SK ट्रेडर्स इस टूर्नामेंट में सेवाएं दे रहे हैं स्वागत है इनका भी। उसके बाद में नेरो लेक काइम ट्रेडर्स सद्दाम हुसैन भाई और मोहम्मद यासर खान भाई इसे टूर्नामेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्वागत है इनका भी। फिर यहाँ से रॉयल काइम मार्ट एक बोल वापिस दे दो भाई साहब किसी भी प्रकार का आपको सामान चाहिए तो आप घर बैठे ये सामान वापिस मंगवा सकते हैं।
जो भी घरेलू सामान होता है एक छत के नीचे मिलेगा और आप होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इनसे इनका भी स्वागत है कायम रॉयल कायम मार्ट, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 7073050708। तो एक बार फिर से स्वागत है यहाँ से, दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज वो क्रीज पे आ चुके हैं। तो मात्र 67 रनों का एक आसान सा लक्ष्य वो रखा है टीम खारिया ने झाड़ोद के सामने। अगला मैच होगा टीम सुदरासन वर्सेस छोटी बेरी बी के मध्य। ये खुशी कहां लगाई है, तो बोल दिया ही था मैं। अपनी कार्ड
पहली गेंद खराब गेंद और पहली गेंद पे एक बड़ी बाउंड्री भाई चार रन के रूप में बनी है। बल्लेबाज आरिफ टाइगर के बल्ले से जैसा नाम वैसा काम, यहाँ से पहली गेंद से करते हुए फिर से उसी दिशा में इस बार फील्डर तैनात और एक आसान सा कैच भाई यहाँ से। तो विकेट नंबर फर्स्ट यहाँ से गिरता हुआ नहीं है। पहली सफलता हाथ लगी है भाई। इस बार गेंद को अपर कट किया बल्लेबाज अमनीश ने और बड़े खूबसूरत चौका निकाला भाई चार रनों के लिए। इस पारी में लगने वाला यह दूसरा चौका, ओवर का ये दूसरा चौका भाई यहाँ से निकलता हुआ टीम को अनीस के बैट से निकलने वाला ये पहला चौका। पहली गेंद का सामना किया और आते ही चौका लगाया है। स्कोर हो चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी की 57 गेंदें बची है और रन चाहिए 59। फिर से उसी दिशा में और फिर से नतीजा वहीं एक और बाउंड्री आते हैं इसके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी भाई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा चौका। हाँ इस बार अंदर आती हुई गेंद को पॉइंट के दिशा में खेला है लेकिन फील्डर जल्दबाजी के चलते लास्ट बॉल है और 1 रन पूरा किया। शायद भाई मंडला की टीम शायद नहीं है इस टूर्नामेंट में। इससे ये गेंद और इसको खेला है ऑफ साइड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर 1 रन पूरा किया। बोलो नेम सही नाम कहीं भी समाप्ति पे स्कोर है 14 रन क्रिकेट के नुकसान पर। अस्पताल है ना राइट आर्म पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं। अरबाज इसमें खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी खान मोहम्मद भाई बहुत ही अंदर है। आर्या को ये मुकाबला जीतना है। शुरुआती विकेट जल्दी चटकाने होंगे। आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप क्रिकेट हाउस पे चेक लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी टीम बार उछ हुई है और कितनी जीती है। खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए। एक मौका बना लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए आर्या के खिलाड़ी। नतीजा 1 रन स्कोर हो चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अस्पाक पहल दूसरा ओवर डाल रहे हैं हारिया की तरफ से। अस्पाक के लिए गेंद इसको धीरे से खेला है बिना किसी रन के। अपडेट होने नेट कौन चालू था लो लाइन लेंथ के साथ गेंद कर रहे हैं इस्पात। इस्पात चले इसके लिए गेंद और इस बार खेला है एक मौका बना था उसको बुना नहीं पाए हारिया के खिलाड़ी।
बार वाइड गेंद है, एक अतिरिक्त रन मिला है झाड़ोत को। गेंद करेंगे अब्दुल को, बार फुल टॉस गेंद और ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर से जा रही है चार रन के लिए, लाइन के बाहर चार रनों के लिए। ओवर की समाप्ति यहाँ से भाई, दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, 21 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ, दो ओवर की समाप्ति भी स्कोर है 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए मात्र 46 रन, 48 गेंदे अभी भी शेष है झाड़ूत के पास, दो विकेट उनके हाथ में है। और अब व्यापारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं, जिससे टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रफीक, रन गोनी बैट कौन चले, ये रन मान्य नहीं होगा। रफी दूसरी बार गेंद करेंगे, अनीश को बार कट किया है और इसी बीच बाउंड्री यहाँ से बनी है भाई, चार रन के लिए बाउंड्री फॉर छाड़ो। स्कोर हो चुका है 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया है झाड़ू की टीम ने, अब मात्र 42 रन चाहिए भाई। क्रिक रोज एक ऐप है, उस पे पूरा जो इस टूर्नामेंट का लेखा जोखा है वो डाला हुआ है, उस पे चेक कर लो। कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अगली बार गेम करेंगे अनीश को, आउटफील्डर एक नंबर है भाई, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इसे युवा बल्लेबाज ने अच्छे शॉट्स दिखाए हैं, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भाई अनीश के द्वारा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, चार चौके लगा चुके हैं अनीश, और प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया है। पीछे बाहर जाती हुई गेंद और एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन झाड़ूत के खाते में। ठीक चले इसके लिए फिर से कट दिया है, फिर से गेंद को भाई धकेल दिया हमारी तरफ से है, एक और गेंद बाउंड्री बनती हुई गई चार रन के लिए, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हुई आपको बता दूं, काफी तेज आउटफील्ड है इस ग्राउंड की, एक बार अगर फील्डर के हाथों से गेंद निकल जाती है तो दोबारा पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। रफीक चले इसके लिए, इस बार अच्छी गेंद धीरे से पुश किया, ओवर की समाप्ति। वालेकुम अस्सलाम रियाज खान भाई, ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन, एक विकेट के नुकसान पे। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में टूर्नामेंट के एकमात्र हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज दिलशाद भी मौजूद है, आइए उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं टूर्नामेंट के बारे में, इस मैच के बारे में। जो पाबंदियां हैं वो समाप्त हो चुकी है, एक कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है और एक हेल्डमैन को बाहर निकाला है। सामने है अब्दुल, अंतिम गेंद है इस ओवर से, पावर प्ले का ये गेंद करेंगे, सॉरी अंतिम नहीं है, पहली गेंद है और अच्छी फील्ड हुई है भाई, पहली गेंद शॉट लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। गेट अपडेट आ गया, गेट गिरा जाए,
पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं रजा। सामने बल्लेबाज अब्दुल जिन्होंने 5 गेंदों का सामना करके 6 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। कड़क शॉट है भाई इस बार तो 4 रन के लिए। स्कोर चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ यहां से 40 रन। फिर से उसी दिशा में और नतीजा इस बार उससे भी बेहतरीन रहने वाला है। अंपायर का इशारा यहां से बहुत ही शानदार शॉट, बिल्कुल 6 में बाउंड्री के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन पर बची हुई 37 गेंदों पर झड़ोत को 21 रन की आवश्यकता। ओके रियाज भाई, अब्दुल 8 गेंदों पर 17 रन। अब 21 रन चाहिए मात्र यहां से। काफी अच्छे बल्लेबाज भाई अनीस अब्दुल के द्वारा। ओवर के आखिरी गेंद लेकर रजा तैयार। ऑफ साइड की जानी अच्छा शॉट और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। इसी के साथ स्कोर का पहुंचा 47 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर बची हुई 36 गेंदों पर मात्र 20 रन की आवश्यकता झाड़ोत को जीतने के लिए। नया ओवर लेकर आए हैं अस्पाक। अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट गेंद। अस्पाक एक बार फिर से तैयार ओवर द विकेट। सामने बल्लेबाज अब्दुल, रिवर्स का प्रयास सफल भी हुए भाई 1 बाउंस 4 रन के लिए। अच्छा शॉट और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर जो पहुंचा 51 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अस्पाक एक बार फिर से तैयार अब्दुल के लिए फुल टॉस गेंद जिसको ऑन साइड में खेला, फील्डर वहां मौजूद और 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ स्कोर जो पहुंचा 52 रन। अस्पाक एक बार फिर से तैयार ओवर द विकेट। अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बची हुई 31 गेंदों पर मात्र 14 रन की आवश्यकता झाड़ोत को जीतने के लिए। अस्पाक एक बार फिर से तैयार। अच्छा शॉट ऑफ साइड की जानी, फील्डर वहां मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 54 रन। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप, 27 गेंदों पर 49 रन की पार्टनरशिप। नया ओवर लेकर आए रफीक मार साहब। वाइड गया सारा यहां से एम्पायर का सारा वाइड गेंद, दिशा से भटके गेंदबाज जिसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अच्छी गेंद
जिसको ऑन साइड की जानी पहला फील्डर वहां मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 56 रन। रफी के द्वारा अच्छी गेंद जो सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची और डॉट गेंद का समाप्ति हुई। अगला मैच है भाई सुदर्शन और छोटी बेरी के बीच में। बिल्कुल है, जो खुशी भाई हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं वो भी आपको अगले मैच में नजर आएंगे। ये कैच ड्रॉप यहाँ कैच ड्रॉप मैच अभी फिक्स नहीं भाई। अनि 16 गेंदों का सामना करके 25 रन बना दिया जिसमें 5 चौके शामिल है। इस बार अच्छी गेंद खलीन और रफीक ने अनीस को बोल्ड कर दिया। इसी के साथ झाड़ोद को लगने वाला दूसरा झटका। मोहम्मद फारूक आए हैं भाई बल्लेबाज के लिए। और रफीक के नाम, रफीक नाम है क्या? कैच आउट फिल्टर का है ना भाई, फिल्टर को फिल्टर का। हाँ बिल्कुल अल्ताफ करते जी भाई, आप बताइए। शबीर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। सेंट मैरी स्कूल के संचालक है, शेरानी आबाद में इनकी बड़ी एक स्कूल है सेंट मैरी स्कूल भाई साहब, उसके जो संचालक है हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत और धन्यवाद आपका शबीर भाई साहब। दादू बासनी का मैच हो गया भाई, अब यहाँ के उनका मैच पता नहीं कब होगा। छोटा भाई सीधे बल्ले से तीर के माफिक वन बाउंस है, या बिल्कुल वन बाउंस है।
तो अब रन चाहिए मात्र 4 यहाँ से। कहा जाए तो औपचारिकता ही बची अब यहाँ से। स्कोर जा पहुंचा है 63 रन और 4 रन और चाहिए भाई यहाँ से। वाइड कैसा रहा अंपायर के द्वारा, रन चाहिए अब 3। तो कुछ ही समय बाद अगला मुकाबला सुदर्शन वर्ष छोटी बेरी बी के बीच में होना है। रमजान भाई की तरफ से अगर अगले मैच में परवेश जगत 50 बनाते हैं तो 1100 रुपए की राशि बिल्कुल इस चौकी के साथ है। इस मुकाबले को यहाँ से छोका नहीं भाई, फील्डर ने गेंद को रोक लिया था लेकिन कोई रन नहीं लिया। अभी भी 2 रन चाहिए यहाँ से और बल्लेबाज चाहते हैं बाउंड्री के साथ जीता हूँ, लेकिन यहाँ से वाइड है ये 2 रन अब 1 चाहिए। स्कोर लेवल हो चुका है भाई। रिवर्स के रूप में बड़ा छक्का भाई। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है यहाँ से टीम झाड़ोद ने और अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले मुकाबले में टीम सुदर्शन बनाम बेरी छोटी बी के बीच में। अगला मुकाबला कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाएगा, मिलते हैं साथ। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है भाई बजरंग लाला। माइन
बल्ले ने मूव लिया बढ़िया सही है दो पेर भी अलग है चेहरा एक फूल से अलग